गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी बाय अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। जी, करंट अफेयर्स की ईयरली करंट अफेयर्स का डोज ये चालू हो गया है। चलिए भाई, ईयरली करंट अफेयर का ये डोज स्टार्ट हो गया है आज के लिए। कौन कौन जुड़ा है भाई? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग कर दो भाई, सारे बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का उत्तर दे देंगे। आ जाओ भाई, सारे प्यारे प्यारे बच्चे आ जाओ। आज हम लोग करेंगे मार्च मार्च 2023 का करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन। मार्च मार्च 2023 करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, 50 MCQ। चलिए, कौन कौन जुड़ा है जल्दी से बता दो फटाफट, और सेशन को कर दो सारे बच्चे लाइक। चलिए भाई, यतिन हरियाणा भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। जल्दी भाई, अन एकेडमी का फेस्टिव ऑफर आपके लिए चल रहा है अभी। इतनी बड़ी प्राइस ड्रॉप कभी नहीं हुई, और ये प्राइस ड्रॉप सिर्फ 7 से 9 नवंबर तक है। 9 नवंबर। लक्ष्मी सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई लक्ष्मी जी। एसएससी एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बैच आपको परचेज कर लेना चाहिए। बेहतरीन बैच है, बेहतरीन सब्सक्रिप्शन है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है आपका 3359 रुपए का, 3359 रुपीज, जो कि 5600 का था, 5600 का ओरिजिनल प्राइस पर। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग अजय कुमार। और 12 महीने का कोर्स ये आपका 3000 का पड़ रहा है, ठीक है, जल्दी से। और ये 5000 का इसका ओरिजिनल प्राइस है। प्राइस ड्रॉप की स्कीम पाने के लिए आपको रेफरल कोड AK A5 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए 2023 के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। 2023 मार्च के पहले प्रश्न का उत्तर दो। अपने सभी कमीशन किए गए मैन होल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? देश का पहला राज्य रोबोटिक तकनीक का मैन होल को साफ करने वाला। जल्दी से सारे बच्चे इसका उत्तर देंगे, वेरी गुड, जल्दी से सारे बच्चे इसका। इस रोबोट का नाम है बांदीकूट। क्या नाम है? बांदीकूट। जल्दी से इसका उत्तर, बांदीकूट, बांदीकूट। तमिलनाडु कहा है लक्ष्मी जी ने? तमिलनाडु नहीं, केरल। जिसने बी कहा है? खा, बी, बी जिसने उत्तर दिया है उसका सही है। बी किसने दिया है जल्दी बताओ? अजय कुमार ने बी दिया, लक्ष्मी ने बी दिया, वेरी गुड। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट, ए इज नॉट द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत का क्या रैंक है? भारत की क्या रैंक है? जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। जतिन हरियाणा ने, जतिन हरियाणा ने ए दिया है इसका उत्तर। प्रश्न संख्या दो का कैसे देना है? दो लिखना है, ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है, या लिख देना है डी? जल्दी से प्यारे बच्चे, सारे बच्चे, दुलारे बच्चे और न्यारे बच्चे, जल्दी से इसका उत्तर दें। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये क्लास हम 35 से 40 मिनट तक करेंगे। 35 से 40 मिनट की एक क्लास में हम लोग करीब 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन कर लेंगे। झारखंड पुलिस ने, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को प्यारे प्यारे बच्चों। क्लास को कर दो लाइक और कर दो शेयर जल्दी से। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सूचका बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 42, 42 पर है भारत की रैंकिंग है। और ये जारी कौन करता है? जारी कौन करता है? जारी करता है यूएस, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स।
यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी कर, अजय कह रहे हैं 2 का 42, वेरी गुड वेरी गुड, 42वीं रैंक है, बहुत खूब, जिंदाबाद। सारे बच्चे, जितने बच्चे भी, जितने भी अभी जुड़े हैं सारे बच्चे एक बार लाइक कर दो सेशन को, सारे बच्चे जल्द हो अच्छे बच्चे बन के, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्मी अजय, हरियाणवी जी, हरियाणा जी, झारखंड पुलिस, भाई झारखंड पुलिस भी जुड़े रहो सारे बच्चे। 3 का, किस राज्य को भारत की पहली मरीना मिलेगी, किस राज्य को भारत की पहली मरीना मिलेगी, जल्दी बताइए, पहली मरीना, भारत की पहली मरीना, इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कर्नाटक, कर्नाटक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग एयर्थ का मेजबान है, जल्दी सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट फ्लैग की होस्टिंग किसने की इस बार, बताइए किसने मार्च में डेजर्ट हो डेजर्ट फ्लैग के 8वें संस्करण, ये इसका 8वां संस्करण था, जल्दी से बताइए किसके साथ, क्या वो यूके है, यूएई है, जापान है, या फिर श्रीलंका, जल्दी से प्यारे बच्चे, सारे बच्चे, न्यारे बच्चे और दुलारे बच्चे, जल्दी से इसका उत्तर दे देंगे फटाफट। यूएई, बी जो उत्तर दे रहे हैं उनका उत्तर है सही, बी, बी कौन कह रहा है, फोर्थ का बी, फोर्थ का बी कौन दे रहा है उत्तर, जल्दी से बताओ फोर्थ का बी, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, फोर्थ का, गुड मॉर्निंग अरवाज, गुड मॉर्निंग रामेश्वरी, बहुत सही, जल्दी से, अजय कुमार ने बी दिया, अरवाज खान ने बी दिया, अरवाज खान, सलमान खान और सोहेल खान को भी लेकर आया करो, है ना। दिल्ली पुलिस की कौन तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए अन एकेडमी ऐप पर 3 बजे मॉक टेस्ट जीके जीएस का होगा, 3 PM, 3 PM, आना कैसे है आपको, आना ऐसे है जो आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक, जतिन हरियाणा भाई, गुड मॉर्निंग सत्यम त्रिपाठी, बने रहो, जितने बच्चे आए हैं बने रहो, हम मार्च के 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, मार्च 2023 के 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 3 PM पर आपको आना है, दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट लगेगा, कमेंट बॉक्स में जो सबसे ऊपर कमेंट है उसमें लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके मेरी आईडी फॉलो कर लो, वहां पर शेड्यूल लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, मैं तो 10th में हूं सर फिर भी क्लास करती हूं, वेरी गुड करती हूं, अरवाज खान कह रहे हैं करती हूं, वेरी गुड। HD 3385 जिसे ICAR द्वारा विकसित किया गया है, किस प्रजाति की एक गेहूं की किस्म है, ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका मुख्यालय बता दो कहां पर, कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर, कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जल्दी से, बी, बी किसने दिया, कौन है वो, विजय भाई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत खूब, अरवाज खान, विजय, लक्ष्मी, अजय कुमार ने इसका उत्तर दिया सही, बहुत खूब, जिंदाबाद। गेहूं की एक प्रजाति है HD 3385, ये गेहूं मार्च में कटाई हो जाया करेगी इसकी, यानी कि होली के टाइम पर इस प्रजाति की कटाई मार्च में हो जाया करेगी, कब से, कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, कृषि अनुसंधान संस्थान क्या दिल्ली में है, क्या दिल्ली में है, जल्दी बताओ, यस लिख दो, यस या नो लिख दो, यस लिखो या फिर नो लिखो, दिल्ली में है क्या, ये दिल्ली में है बताइए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अगला, कल कराया जाएगा इसी क्लास में अप्रैल का करंट अफेयर, अप्रैल दिल्ली पुलिस से पहले, कल अप्रैल का हो जाएगा, अप्रैल परसों हो जाएगा मई और जून, फिर दो दो महीने के चालू कर देंगे, ठीक है, सारे बच्चे अगर कल सारे बच्चे अगर आ गए तो परसों से 2 महीने का करंट अफेयर 100 क्वेश्चन कराया करेंगे, 100 क्वेश्चन, जल्दी अरवाज खान, नो तो कृषि अनुसंधान संस्थान कहां है बताइए, फिफ्थ का बी भाई, जो जिसने जिसने फिफ्थ का बी दिया है उनका हो जाता है सही, जतिन, अजय, लक्ष्मी, अरवाज, इस प्रश्न का उत्तर है 6 का, कौन सा संगठन 228 से 201 AW विमान का निर्माण करता है जिसे DGCA द्वारा अनुमोदित किया, अभी हाल ही में एक DGCA द्वारा अनुमोदित किया गया विमान, कौन बनाता है विमान, इसरो बनाता है, नहीं बनाता है, DRDO बनाता है, नहीं बनाता,
चलो, एच ए एल बनाता है, भेल बनाता है, भेल नहीं बनाता है, जल्दी तो एच ए एल, सिक्स का ए, सिक्स का बी भाई, भेल भेल नहीं है। सर मुझे आपकी क्लास में बहुत मजा आता है हर वाच कर। अच्छा, भेल, भेल गलत है, भेल गलत है। चलो भाई, सिक्स का बी, एच ए एल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने 228 228 201 विमान का निर्माण किया है, 201 भाई। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर आ रही है। किस देश ने अपनी भाषा की रक्षा के लिए विदेशी शब्दों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? निज भाषा उन्नति अहे। चलो भाई, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल ने, विजय भाई, विजय, वेरी गुड, बहुत सही, जतिन हरियाणा, विजय, बहुत खूब। जल्दी से लक्ष्मी मुंडा, लक्ष्मी मुंडा आ गई, थोड़ी सी देर हो गई आपको आने में, जल्दी से इस प्रश्न का। किस देश ने अपनी भाषा की रक्षा के लिए विदेशी शब्दों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? मंथली, मंथ वाइज ये करंट का डोज चलेगा आपका, दिल्ली पुलिस के एग्जाम तक सारा करवा देंगे, फिर उसके बाद रिवीज, उसके बाद टॉपिक वाइज लेकर आएंगे। किस किस का एग्जाम सेंटर, बताए बताओ भाई, किस किस का एग्जाम सेंटर बनारस है, हिंदुस्तान ने, जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दो। रूस, रूस ने, रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन ने अपनी भाषा की रक्षा के लिए सभी सरकारी, सभी सरकारी विभागों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि रूसी भाषा यानी कि रशियन लैंग्वेज के में किसी भी भाषा अन्य भाषा का मिश्रण नहीं किया जाएगा। चलो भाई, सी किसने दिया है, राज निषाद, अरबाज खान, वेरी गुड, अनंत माथुर, रशिया, वेरी गुड, बहुत खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 का विषय क्या था? नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सेफ्टी डे 2023 का थीम क्या थी? जल्दी बताओ, जल्दी प्यारे बच्चे, सारे बच्चे, नारे बच्चे, दुलारे बच्चे, जल्दी से इसका उत्तर देंगे, और ऐसा होना भी चाहिए, बिल्कुल सही। भाषा में मिलावट होने से क्या होता है? चलो इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। मैं बताता हूं आपको एक छोटी सी बात, अगर आपको कोई चीज हिंदी में पढ़ाई जाए, हिंदी में पढ़ाई जाए, जिस भाषा में आप बोलते हैं उसी भाषा में पढ़ेंगे, उसी भाषा में अच्छे से और समझेंगे। चलिए भाई, इसकी इसकी थीम क्या है बताओ? हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान, इसकी थीम है, बी ए हो जाएगा सही। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है 4 मार्च को। किसको किसको पता था 4 मार्च को मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे? एर्थ का बी, एर्थ का ए किसने दिया, अरबाज खान ने दिया है, अजय कुमार ने दिया है, वेरी गुड प्यारे बच्चों, जय हिंद। नए बच्चे जुड़े हैं वो लाइक कर देंगे, लाइक कर देंगे, प्यारे बच्चे लाइक कर देंगे, सारे बच्चे लाइक कर देंगे। अरबाज खान ने, लक्ष्मी ने भी इसका उत्तर दिया है, ए, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। द थीम ऑफ नेशनल सेफ्टी डे इज आवर एम, आवर जीरो हार्म, आवर एम हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान, इसकी थीम है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जन औषधि ट्रेन का उद्देश्य क्या है? जन औषधि ट्रेन का उद्देश्य क्या है? जन औषधि ट्रेन को मार्च में, मार्च में हमारे, मार्च में जन औषधि ट्रेन का उद्देश्य है, जल्दी बताएं, 9 का प्रश्न संख्या 9 का उत्तर देंगे सारे बच्चे। जल्दी से प्रश्न संख्या 9 का उत्तर दे दो फटाफट, वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से। प्रश्न संख्या 9 की थीम है जन औषधि योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना। मार्च में हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मनसुख मंडाविया जी ने, किसने, मनसुख मंडाविया, किसने किसने इसका उत्तर दिया है सही, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दिल्ली पुलिस का जीके का मॉक टेस्ट लगाना हो तो कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कमेंट में लिंक दिया है, बेहतरीन मॉक टेस्ट 3 बजे की क्लास में, शाम को 3 बजे की क्लास में, सत्यम त्रिपाठी ने, अरबाज खान ने इसका उत्तर दिया है, वेरी गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां
प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पर आने वाला है। सीएचएसएल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से ये बैच परचेज कर लेंगे। कैलेंडर आपका आ चुका है 2024-25 का, 2024 और 25 का कैलेंडर आ चुका है। इस कैलेंडर में सारी डेट्स आपकी आ गई है, जल्दी से अब तैयारी में जुट जाओ। 5 महीने का ये कोर्स होगा, 400+ घंटे इसमें हो जाएंगे, जल्दी से। और इस बैच में 20% अनलॉक 20 ऑफर चल रहा है हमारी अनअकैडमी का। 20% डिस्काउंट पाने के लिए AKA5 कोड का इस्तेमाल कर लो। चलो भाई, 14 को किस किस का प्रयागराज में सेंटर बताओ भाई, इन्हें बताओ। 9th का ए है, लक्ष्मी ने भी इसका उत्तर सही दिया, मुंडा जी ने भी, यानी दो लक्ष्मी हमारी क्लास में उपस्थित हैं। येलो स्टेन नेशनल पार्क किस देश में, येलो स्टेन नेशनल पार्क किस देश में है, ये प्रश्न करंट का क्यों बन जाता है, क्योंकि अभी येलो स्टोन नेशनल पार्क ने 151वीं अपनी वर्षगांठ मनाई। 151st मनाई है वर्षगांठ किसने, यूएसए। अजय कुमार ने इसका उत्तर सही दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यूएसए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से इसका उत्तर देंगे सारे बच्चे, और भी सारे बच्चे जल्दी से इसका उत्तर दे दो। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, येलो स्टोन नेशनल पार्क है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। सत्यम त्रिपाठी ने, जतिन ने, अरवाज खान ने और प्यारे 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 अजय कुमार ने इसका उत्तर दिया है। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जन औषधि ट्रेन का उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली किस राज्य में, बाहुबली जल्दी से आपने सुना होगा मार्च की करंट अफेयर में, बाहुबली किस राज्य में है, जल्दी से प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। क्या ये महाराष्ट्र, बी भाई बी, बिल्कुल सही, बी इसका उत्तर सही है, बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। बहुत खूब भाई, जल्दी से सारे बच्चे सुबह 9 बजे की क्लास में आया करो। मंथली इसमें करंट अफेयर आपका करवा रहे हैं, मंथली मंथली मंथ वाइज 9 AM, ठीक है। अरबाज खान ने इसका उत्तर दिया है सही, वेरी गुड। जतिन ने बी कहा है, बी इज द राइट, अरबाज खान का गलत हो गया, अरबाज खान। सत्यम त्रिपाठी, लक्ष्मी मुंडा और जतिन हरियाणा जी का गलत हो गया। चलो भाई, हरियाणा वाले भाई साहब, हरियाणा के लोग बड़े प्यारे प्यारे भोले भोले हाजिर जवाब लोग होते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को रूस के एनपीओ मशीनियो स्ट्रोएनिया और भारत के किस संगठन ने मिलकर बनाया है, बताओ जल्दी। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस किसने बनाया है मिलकर, बताओ प्यारे प्यारे बच्चों। ब्रह्मोस रूस के साथ मिलकर बनाया है, चलो बी। लक्ष्मी मुंडा का उत्तर आया गया सही, बी। 13th का बी, वेरी गुड, बहुत खूब, जिंदाबाद, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े जो बच्चे नए, जो डीआरडीओ का मुख्यालय, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, डीआरडीओ की स्थापना जल्दी से बता देंगे बच्चे, जल्दी से स्थापना कब हुई। चलो भाई, स्थापना कब हुई, अरबाज खान ने बी दिया, वेरी गुड अरबाज खान। सत्यम त्रिपाठी, वेरी गुड, बहुत खूब, जिंदाबाद। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शीत ऋतु की अंतिम पूर्णिमा को क्या नाम दिया गया भाई, शीत ऋतु की अंतिम पूर्णिमा को क्या नाम दिया गया है, जल्दी बताओ। वर्म मून इसका उत्तर है, क्योंकि इस समय एक जनजाति है उसने इसको वर्म मून नाम दिया, क्योंकि शीत ऋतु के इस समय पर केचुए खूब आते हैं, केचुए कीड़ों के नाम पर ये दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस नियामक निकाय ने क्लाउड अपनाने के सिद्धांत आधारित फ्रेमवर्क दिशा निर्देश दिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। अरबाज खान ने दिया इसका उत्तर बी, सेवी, सेवी इज द राइट आंसर। सेवी की स्थापना कब हुई थी, सेवी की स्थापना हुई थी 1988 में, और इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला था, 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला था। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है, इसकी अध्यक्ष कौन है, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। इसकी अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है। अगले प्रश्न में चलते, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये। किस देश ने अवैध प्रशासन विधेयक पेश किया, किस देश ने अवैध प्रशासन विधेयक पेश किया, जल्दी। प्रियंका मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग।
माधवीपुरी बुच, अजय कुमार ने सही बताया। प्रियंका जल्दी से इसका, तो किस देश ने अवैध प्रशासन, चलो भाई किस देश ने अवैध प्रशासन, यूके ने, अवैध प्रवासन, अवैध प्रवासन विधेयक क्या है, फ्रांस, फ्रांस और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, किंगडम के बीच है, क्या है, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल का नाम सुना है आपने, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल है, इस इंग्लिश चैनल को अवैध रूप से पार करके यूके में यानी कि ब्रिटेन में घुसने के लिए के विरोध में अवैध प्रवासन विधेयक प्रस्ताव पारित किया है भाई। यूके कौन, बी कौन कर रहा है, बी जतिन ने बी दिया है इसका उत्तर, अजय कुमार ने भी इसका उत्तर सही दिया, वेरी गुड। जल्दी से और सारे बच्चे इसका उत्तर देंगे सही, जो नए बच्चे जुड़े फटाफट तुरंत लाइक कर दो सेशन को, लाइक कर दो प्लीज, लाइक द सेशन जल्दी से। अरबाज खान ने भी उत्तर सही दिया, वेरी गुड। महिला दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र के बयान के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के बयान के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी देश कौन सा है, सबसे दमनकारी देश कौन सा है। सर अब नाइट में क्लास नहीं लेते हो क्या, नाइट में कल क्लास हुई थी आप आई नहीं, 10 PM क्लास रोज होगी, 10 PM पर इस समय पॉलिटी का सुपर वीक चल रहा है, पॉलिटी का सुपर वीक चेक चल रहा है, पॉलिटी के बढ़िया बेहतरीन 100 क्वेश्चन करवाते करवाए, कल तो खैर कम हो पाए थे लेकिन 100 क्वेश्चन का टारगेट रहता है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे भाई बहुत से, अफगानिस्तान इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। अफगानिस्तान आपको पता है वहां पर तालिबान है, महिलाओं को बिना बुरका बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, पार्कों में और सार्वजनिक स्थलों पर जहां पर पुरुष जाते हैं वहां पर महिलाओं को जाने की भी अनुमति नहीं है। लक्ष्मी ने दिया है इसका उत्तर ईरान, ईरान इज नॉट द राइट आंसर, ईरान सबसे दमनकारी कैसे हो सकता है, दमनकारी तो है, दमनकारी तो भारत भी है लेकिन ईरान सबसे ज्यादा दमनकारी कैसे हो सकता है, जबकि वहां की एक महिला ने पिछली बार बुरके के विरोध में आंदोलन किया था और उस महिला को शांति के पुरस्कार के लिए नामित किया गया। लक्ष्मी मुंडा ने इसका उत्तर दिया सही, अरबाज खान ने इसका उत्तर दिया सही, अजय कुमार ने इसका उत्तर दिया सही, प्रियंका कुमारी ओके सर बिल्कुल। अफगानी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ हार्बर सिद्धांत जो समाचारों में देखा गया है किस अधिनियम से जुड़ा है, सेफ हार्बर सिद्धांत, सेफ हार्बर सिद्धांत, प्यारे प्यारे बच्चे, न्यारे न्यारे बच्चे, दुलारे बच्चे और सारे सारे बच्चे बता देंगे इसका उत्तर जल्दी से, प्रश्न संख्या 18 का उत्तर। चलो भाई सेफ हार्बर सिद्धांत जो समाचारों में रहा, सेफ हार्बर सिद्धांत सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 से संबंधित है। सेफ हार्बर सिद्धांत के तहत भारत डिजिटल इंडिया अधिनियम, डिजिटल इंडिया भारतीय डिजिटल इंडिया अधिनियम, डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 पारित होने वाला है। चलो भाई बी किसने दिया, वेरी गुड, बी अजय कुमार ने दिया है, प्रियंका ने भी दिया है, जतिन ने भी दिया है और प्यारे प्यारे सत्यम त्रिपाठी ने इसका उत्तर दिया है। गुड मॉर्निंग सर, नेहा कुमारी भाई गुड मॉर्निंग, प्यारी प्यारी नेहा जल्दी भाई जल्दी आ जाया करो, ठीक 9 बजे आप लोग आ जाया करो, या तो आप अपना संपर्क सूत्र दे दो सबको कॉल करके बुला लिया करेंगे, है ना। चलो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, द परिनिर्वाण स्तूप और महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जल्दी से इसका हिंदी और अंग्रेजी एक ही हो गया, चलो भाई बता दो, परिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर किस राज्य में या फिर किस यूनियन टेरिटरी में स्थित है और ये क्यों आया है, ये क्यों आया है अभी चर्चा में, क्योंकि भारत और कोरिया, भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हुए और दक्षिण कोरिया के 200 बौद्ध भिक्षु कहां आए हैं, इस मंदिर में महापरिनिर्वाण मंदिर में आए हैं और बुद्ध का जहां महापरिनिर्वाण हुआ था, जहां पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था वहीं पर यह मंदिर है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ, कौन सब बिहार सब सर, क्लास 8 में क्लास था सर, 8 में क्लास था, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
200 बौद्ध भिक्षु आए हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों को लगभग 50 वर्ष पूरे हो गए, इस वजह से ये महापरिनिर्वाण मंदिर चर्चाओं में था, और ये मंदिर है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कुशीनगर में कुशीनारा, कुशीनारा महापरिनिर्वाण बौद्ध का कहां होता, बौद्ध का, बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, पहला उपदेश कहां दिया था भगवान बुद्ध ने, इसका उत्तर देंगे सारे बच्चे। बी इसका उत्तर नहीं है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से किस स्तंभ से बाहर निकलने का विकल्प चुना है, बताइए, बताओ भाई। ए जिसने उत्तर दिया उसका सही, वेरी गुड, बहुत गुड। चलो भाई, सारनाथ, बिल्कुल सही, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, बिल्कुल बहुत सही, सारनाथ, सारनाथ यूपी है ये, बिहार, कुशीनगर यूपी में, कुशीनगर यूपी में है। बोध गया जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो बिहार में है, कुशीनगर यूपी में। लक्ष्मी कह रहे हैं ए बिल्कुल सही, वेरी गुड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसने कहा, जतिन हरियाणा ने भी ए उत्तर दिया, वेरी गुड, सत्यम त्रिपाठी ने भी, अजय कुमार ने भी उत्तर दिया है ट्रेड, एकदम सही, वेरी गुड, बहुत खूब। अन अकेडमी ऐप पर कौन कौन आएगा आज, सबसे ऊपर कमेंट बॉक्स में लिंक लगा हुआ है उस पर कर दो, 3 बजे दिल्ली पुलिस का जीके जीएस का एमसीक्यू वाला मॉक टेस्ट चलता है, 50 क्वेश्चन चलते हैं, 85 मिनट की ये क्लास होती है, ठीक है, आ जाना, सबसे ज्यादा लुबिना देवी में, सबसे ज्यादा श्रावस्ती में, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा बुद्ध ने अपने, भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंतर संसदीय संघ IPU इंटर पार्लियामेंट यूनियन की 146वीं सभा की मेजबानी की, जल्दी बताओ, मैं आऊंगी सर, चलो सबसे ज्यादा लोग हैं, बिल्कुल जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे, एक प्रश्न संख्या 21 का उत्तर है बहरीन, बहरीन किसने दिया है, वेरी गुड, बहुत खूब, जिंदाबाद, जबरदस्त, चलो बहरीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 21 का बी जतिन ने दिया है, नेहा ने दिया है, अजय कुमार ने दिया है, और प्यारे प्यारे अरवाज खान ने दिया है, लक्ष्मी मुंडा ने भी दिया है। ऐप पर सारे बच्चे आ जाएंगे 3 बजे, 3 बजे एप्लीकेशन पर आएंगे 3 बजे, और अन अकेडमी की आपको पता है SSC का कैलेंडर आ गया है, सब्सक्रिप्शन या फिर बैच SSC CGL का आप परचेज कर लीजिए, AKA 5 कोड के साथ परचेज करेंगे तो आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, बहरीन, बहरीन की राजधानी है मनामा, वेरी गुड, बहुत सही, सबने इसका, सत्यन त्रिपाठी और लक्ष्मी ने भी उत्तर दिया है सही, वेरी गुड। भारतीय रक्षा बलों ने अचानक शक्ति के नुकसान की घटना के बाद किस प्रकार के हेलीकॉप्टरों के संचालन को निलंबन कर दिया, जल्दी बताओ, प्रश्न संख्या 22, इस प्रश्न का उत्तर दो भाई, ए जिसने उत्तर दिया है उसका उत्तर है सही, ध्रुव इज द राइट आंसर, ध्रुव इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सही, जल्दी से भाई, और कौन कौन बच्चे देंगे, डी, नेहा नहीं, नेहा नहीं, डी नहीं है, इसका ए है, 22 का ए, जतिन हरियाणा ने इसका उत्तर दिया, 22 का ए, अजय कुमार ने इसका उत्तर दिया से, वेरी गुड, बहुत खूब। अगले प्रश्न पर मूव करें, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ गया है, ये कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है, मुख्य कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है, कल की, कल अप्रैल का कराएंगे, कल अप्रैल का, कल अप्रैल 2023 का कराएंगे, कल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करा दें, जल्दी बताओ 100 क्वेश्चन करा दें, यस या नो लिखो, आओगे, मेरा तो डिफेंस ही खराब, तो डिफेंस क्या खराब है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली बताओ भाई, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर, कौन सा भारत अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य रूप में मेजबानी कर, योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, योग दिवस, सत्यम ने इसका उत्तर सही दिया, वेरी गुड, बहुत खूब, सत्यम त्रिपाठी, नेहा कुमारी, प्रियंका और प्यारे प्यारे विजय ने इसका उत्तर दिया है सही, लक्ष्मी मुंडा ने भी इसका उत्तर दिया है सही, जतिन भाई ने भी इसका उत्तर दिया है सही, वेरी गुड, कल 100 क्वेश्चन करवा दें, यस या नो लिख दो, यस या फिर नो,
जून 2021, जून 2021 में क्या पहली बार 2000, अच्छा जून 21, अच्छा 21 जून को, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, योग दिवस। चलो भाई, कोमल शर्मा, यस कोमल भाई जुड़िए, कोमल का स्वागत है। जो बच्चे नए जुड़े हैं सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार लाइक कर दो प्यारे बच्चों। यस सर, बट किस टाइम? इसी टाइम 9 से 9:30 तक क्लास चलेगी, 9 से 9:30, 9 से 9:30 ये क्लास चलेगी, जिसमें 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे कल अप्रैल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये किस संस्थान ने एटीएल सारथी एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा लॉन्च किया है, स्वनिगरानी। जल्दी से, ओके सर जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चे। प्रियंका, नेहा, कोमल, लक्ष्मी, विजय, जतिन और सत्यम के साथ हरियाणा वाले भाई साहब, सारे बच्चे अन एकेडमी पर प्लीज मुझे फॉलो कर लो, और 3 बजे दिल्ली पुलिस का, दिन में 3 बजे आपको दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। 24 प्रश्न संख्या 24 का उत्तर है सी, एनआई आयोग, एनआई आयोग, आरबीआई ने, एनआई सी किसने दिया है? सी सत्यम ने दिया है, कोमल ने दिया है, प्रियंका ने सी दिया है, लक्ष्मी मुंडा ने भी 24 का सी दिया है। वेरी गुड, बहुत खूब, जिंदाबाद, जबरदस्त। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। भारत ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किस संस्था के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किस संस्था के साथ, बताओ भाई। पैसा कौन देता है सबसे? प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही। नीति आयोग के इस समय सीईओ कौन है? जल्दी कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? थैंक यू सो मच प्राइम मिनिस्टर। एस बी सुब्रमण्यम सीईओ है इसके, एस बी सुब्रमण्यम। किसने उत्तर दिया? किसी ने नहीं दिया अभी तक। एस बी सुब्रमण्यम, लक्ष्मी मुंडा ने 25 का सी दिया है, बिल्कुल एकदम से 25 का सी है, सही एकदम। अजय कुमार ने भी सी दिया है, लक्ष्मी मुंडा ने भी सी दिया है, वेरी गुड। कोमल शर्मा बी करें, बी इज नॉट द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। प्यारी प्यारी प्रियंका ने भी इसका उत्तर सही दिया, जतिन भाई ने भी इसका उत्तर सही दिया, वेरी गुड। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में खोजी गई किस प्रजाति का नाम के एन गणेशैया के नाम पर रखा गया है? किसकी प्रजाति, किसकी प्रजाति? चलो भाई, गेको, गेको 26 का गेको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन। मुस्ततिल पत्थर की संरचनाएं जो किस देश में दर्ज की गई है? मुस्ततिल, मुस्ततिल रूहानी, और इसको जादुई पत्थर भी कहा जा रहा है, बल जल्दी बताओ। ये जो शहर है वहां की झील में मिली, अल उला, अल उला शहर के झील में ये पत्थर मिला है, और अल उला कहां पर है, किस देश में, जल्दी से बता दो। अल उला किस देश में है, जल्दी से प्यारे बच्चों। अल उला, अल उला है सऊदी अरब। बी किसने दिया? बी दे रहे हैं अजय कुमार, दे रहे हैं सत्यम त्रिपाठी, दे रहे हैं लक्ष्मी मुंडा, जतिन और भाई प्यारे सारे बच्चे, प्रियंका ने भी इसका उत्तर दिया है सही, वेरी गुड। सऊदी अरब में अल उला शहर में ये मुस्ततिल पत्थर की संरचनाएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी विस्तार सड़क 2 परियोजना, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, बताओ भाई। जल्दी बताओ, यूईआर, अर्बन एक्सटेंशन रोड, जल्दी से प्यारे बच्चे बताएंगे इसका उत्तर। नई दिल्ली, वेरी गुड, नई दिल्ली को, गुड मॉर्निंग निधि सैन भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निधि जी। हम्म, 28 का बी आ गया उत्तर भाई, आ गया उत्तर। जतिन, प्रियंका, विजय, लक्ष्मी, अजय कुमार, वेरी गुड, बहुत खूब। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये।
ऑडिट ऑनलाइन जिसे, बताओ भाई, WSIS फोरम 2023 में मान्यता प्राप्त थी, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा विकसित ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, जल्दी बताओ। चलो कोमल शर्मा ने बी, पिछले का बी एकदम सही, अब इसका उत्तर बताओ। पंचायती राज मंत्रालय, वेरी गुड, बहुत खूब, पंचायती राज। सत्यम ने इसका उत्तर दे दिया सही। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। टेरेसा जॉली, हाल ही में खबरों में रही ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद कौन से खेल खेलती हैं? चलो भाई, कौन से खेल खेलती हैं, जल्दी से इसका उत्तर। अभी इंग्लैंड में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप मार्च में, ट्वेंटी 2023 जीतने वाली बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑल इंडिया गायत्री गोपीचंद और ट्रिसा जॉली जीती हैं, तो किस खेल से? 30 का सी बैडमिंटन, 30 का सी कौन कह रहा है? अजय कुमार, जतिन, निधि, लक्ष्मी, प्रियंका, बहुत खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बैच है, जल्दी से बैच परचेज कर लो बिना कुछ सोचे समझे, 400 प्लस घंटे में 5 महीने में समाप्त हो जाएगा, कैलेंडर आपका आ चुका है, डिस्काउंट आपको दिलवा देंगे। डिस्काउंट आपको कैसे मिल जाएगा? जब आप बैच परचेज करेंगे तो उसमें आ जाएगा, इफ यू हैव अ रेफरल कोड, रेफरल कोड में AKA5 इसका इस्तेमाल कर लो, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। 23 का सी, कोई बैच परचेज करना चाहता, अगर परचेज करना चाहता तो यहां पर लिख दो। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय भारत 6G विजन दस्तावेज से जुड़ा हुआ है, बताओ। भारत ने 2030 तक पूरे भारत को नेटवर्क के मामले में 6G करने का लक्ष्य साधा है, ये किसका हो सकता है? 31 का क्या हो सकता है? गृह मंत्रालय क्या फिर 6G की वो करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी करेगा, कॉर्पोरेट करेगा, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी? जल्दी से बता देंगे इसका उत्तर प्यारे प्यारे बच्चे। आईटी मंत्रालय ना, आईटी से जुड़ी हुई चीजें हैं, ए। बी, निधि ने इसका उत्तर दिया से, निधि सेन ने इसका उत्तर दिया से, वेरी गुड, बहुत खूब। गढ़वाल वाले बंटी भाई बी कर रहे हैं, बिल्कुल। जो बच्चा नया जुड़ेगा वो सेशन को कर देगा लाइक, सेशन को लाइक कर दो फटाफट, लाइक कर, सेशन को लाइक कर दो जल्दी से, जल्दी से प्यारे बच्चे। सत्यम त्रिपाठी ने इसका उत्तर दिया है सही, बहुत खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय फर्म ने अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए ऑस्ट्रेलिया स्थित AIE के साथ समझौता किया है, बताओ भाई, किसके साथ? मार्च का करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, मेरा गलत हो गया, तो कोई बात नहीं। हॉकिंस डिफेंस सर्विसेज, क्या इसका उत्तर सही है? हॉकिंस डिफेंस सर्विसेज, HAL नहीं, हॉकिंस डिफेंस सर्विसेज, चलो अगले प्रश्न पर चलें। अगले लक्ष्मी, प्रियंका, जतिन, वेरी गुड। नेमाटेलोट्रिक लांबाडुला, जिसे हाल ही में खोजा गया, किस प्रजाति से संबंधित है, बताओ। नाम इसका उत्तर है सी भाई, सी, सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट किस राज्य में स्थित है बताओ भाई? एनसीएससीएम कहां पर है? एनसीएससीएम कहां पर है? नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट किस राज्य में है? जल्दी से 34 लिखो और इसका उत्तर ए बी सी या फिर डी आपको जो भी देना है दे दो फटाफट। वेरी गुड, ए 34 का है, 34 का बी है ए है, जल्दी बी है या ए है? सारे बच्चे जितने बच्चे जुड़े हैं एक बार प्लीज प्लीज एक बार लाइक कर दो है ना। लक्ष्मी 34 का बी, वेरी गुड। प्रियंका ने इसका उत्तर दिया ऐसे, वेरी गुड। 34 का बी है, 34 का बी तमिलनाडु, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के ए बी ए बी ए बी बी है, बी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट्रॉन झील जिसे समाचारों में देखा गया था किस देश में? नेट्रॉन झील जल्दी से, नेट्रॉन झील कहां पर है? लाइक कर दिया, सब्सक्राइब भी। अन एकेडमी ऐप पर 3 बजे दिल्ली, देखो अन एकेडमी ऐप पर 3 बजे दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट होता है, बेहतरीन मॉक टेस्ट होता है। 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, 6 बचे हैं, 6 और कराएंगे। 13 तारीख को लास्ट मॉक टेस्ट होगा। ये मॉक टेस्ट लगाने के लिए बेहतरीन स्पेशली डिजाइन करके बनाए गए हैं जीके और जीएस के मॉक टेस्ट। आना कैसे है आपको? कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर कमेंट है, उसमें लिंक दिया, उस पर लिंक पर आज की क्लास में जितने बच्चे जुड़े हैं सबको सबको मैं देखना चाहता हूं अन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर 3 बजे। आज 3 बजे धुआंधार करेंगे दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सागर मंथन किस केंद्रीय मंत्रालय का रियल टाइम परफॉर्मेंसिंग मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है? सागर मंथन बताइए जल्दी, बी, वेरी गुड, जल्दी भाई बी इसका उत्तर सही है, बी बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग। किसने दिया है? प्रियंका ने इसका उत्तर दिया, प्रियंका ने इसका उत्तर दिया है सही, वेरी गुड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में हिम शक्ति परियोजना के तहत किस संगठन के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षर किया? सर मैंने किया था बट पता नहीं क्यों हुआ नहीं फॉलो। उस पर जाओगे आईडी पर फॉलो कर लोगे और आज के जो शेड्यूल लगे उसमें थोड़ा सा नीचे जाओगे शेड्यूल लगे होंगे उसको इनरोल कर देना, इनरोल बता देना डीआरडीओ। चलो 37 का बीईएल, बीईएल। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में हिम शक्ति परियोजना के तहत किस संगठन के साथ अनुबंध किया? बीईएल हैदराबाद। बीईएल क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ किया है। बीईएल की फुल फॉर्म भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए भाई सी इसका उत्तर हो जाएगा सही, बिल्कुल सही। प्रियंका ने इसका उत्तर दिया है, वेरी गुड, बहुत बहुत सही। सारे बच्चे नियमित रूप से आया करो, ये जो क्लास है 9 बजे की इसमें अभी मंथली चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले मंथली करंट करवा दिया जाएगा, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज चलेगा, ठीक है? टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज। अन एकेडमी पर सरप्राइज भी आएगा आप लोगों के लिए, कुछ बढ़िया बेहतरीन, फॉलो कर लेना सारे बच्चे, ठीक है? और किसी को बैच परचेज करना है तो वो बताओ, किसी को बैच परचेज करना है तो उसको गाइड कर दें। गज उत्सव 2023 का आयोजन भारत सरकार द्वारा किस परियोजना के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया? बताओ 30 साल पूरे हो गए किस परियोजना के गज उत्सव मनाया गया? चलो भाई बैच खरीदना है, यस सर। अच्छा किसी को बैच खरीदना हो तो वो बताओ। सर आज नाइट में भी लोगे क्लास? बिल्कुल 10 बजे आएगी क्लास, 10 बजे पॉलिटी का सुपर वीक चल रहा है,
क्वालिटी के आज 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे, 100 क्वेश्चन कराएंगे, लगभग क्लास चलेगी 10 से 11.30, 10 से 11.30 या फिर 12 बजे तक भी चल सकती, कोई उसका वो नहीं। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट किसने उत्तर दिया है, हाथ ऊपर करो। अजय कुमार ने बिल्कुल सही भी दिया है, वैभव ने भी दिया है, विजय सत्यम ने भी दिया है, प्रियंका ने भी दिया है, लक्ष्मी ने भी दिया है, वेरी गुड, बहुत सही। चलो भाई, गज उत्सव कहाँ मनाया जाता, किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है ये बता देंगे, किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है, काजीरंगा। काजीरंगा कहां पर है, असम में। बढ़े आगे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, असम, वेरी गुड। चलो, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट, चलो भाई बताओ। जल्दी से फटाफट, WFP इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर असम। ए किसने कहा, अजय कुमार, बहुत खूब। प्रियंका ए, लक्ष्मी मुंडा ए, वेरी गुड, बहुत सही। निधि सेन ए, सत्यम त्रिपाठी। अच्छा, कहां कहां से आप लोग, कम बच्चे अभी हो गए हैं, आप सारे बच्चे बताओ कहां कहां से, थोड़ा सा परिचय ही करना चाहिए अपने स्टूडेंट से। बिल्कुल व्यावसायिक रिश्ता, और व्यावसायिक रिश्ता मैं रख भी नहीं पाता हूं बच्चों से, है ना। जल्दी से बताओ कहां कहां से हैं आप लोग, कहां कहां से हैं, किस किस जगह से हैं, यूपी, यूपी में कहां से, यूपी से हम भी हैं भाई। विच स्टेट पास द रेजोल्यूशन टू प्रोवाइड SC स्टेटस फॉर दलित क्रिश्चियंस। हरियाणा में चरखी दादरी, वाह भाई वाह, दिल्ली के पास ही है चरखी दादरी। कर्नाटक से विजय भाई, वेरी गुड, बहुत सही। यूपी प्रयागराज भाई, बहुत सही, प्रयागराज। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश GK का एक प्रश्न है, प्रयागराज में कितनी लोकसभा सीटें हैं, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, किसी जिले में अगर सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं तो वो है प्रयागराज, और कुल कितनी है बताएंगे सत्यम, 10, 11, 12, 13 या 14। अमेठी भाई, बहुत सही, इसका उत्तर दो, प्रश्न संख्या 40 का, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में हिमशक्ति परियोजना के तहत किस संगठन के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किए, जल्दी बताइए। जल्दी प्यारे प्यारे बच्चे बता देंगे, बहुत खूब। 41, प्रश्न संख्या 41, 41। निधि सेन, वेरी गुड, बी। क्या अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया, थोड़ी देर पहले, बिल्कुल थोड़ी देर पहले, यही सेम टू सेम क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आगे नहीं बढ़ाया कि कितना याद रहता है क्लास में आपको। 41 का है, BEL की फुल फॉर्म भी किसी ने पूछी थी अभी, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, वाह भाई वाह। सी, 41 का सी, आप सारे लोग अनअकैडमी पर आया करो, अनअकैडमी पर आया करो, वहां पर बच्चे कम रहते हैं, अच्छे से बात हुई होती है और अच्छे से गाइड। सर वीडियो सही नहीं दिख रहा, रेजोल्यूशन बढ़ाओ, उसके रेजोल्यूशन बढ़ाओ, क्वालिटी वो इसमें आती ना यूट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करवा देते हैं। PM प्रमाण किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है, PM प्रमाण किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, जल्दी से, 8 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी करवा देते हैं।
पीएम प्रमाण किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? 42 का हो जाएगा उत्तर सी, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। देखें कौन कौन सी दिया है, लक्ष्मी ने, एकदम सही लक्ष्मी मुंडा ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज द राइट आंसर, बीईएल की फुल फॉर्म, वेरी गुड। रक्षा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का पीएम प्रमाण जुड़ा हुआ है इससे। प्रियंका, निधि सेन, लक्ष्मी ने इसका उत्तर दिया सही। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस केंद्रीय मंत्रालय ने वानिकी हस्तक्षेप के मामले में मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की? जल्दी बताओ। सर कुछ बताओ प्लीज, क्या करूं, मैंने अब तक 73 पेपर दिए हैं पर नौकरी नहीं मिली, तो मैं अब क्या करूं, कैसे तैयारी करूं? कैसे तैयारी करूं गुरुजी प्लीज? 73 एग्जाम दिए और सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके कोई कारण होंगे, उन कारणों की विवेचना करो, कारणों की विवेचना करो, कारणों की विवेचना करो, और सबसे बड़ा कारण होगा आपकी लापरवाही। 73 एग्जाम या फिर एक डेढ़ साल में इनपुट दोगे तो आउटपुट कैसे नहीं आएगा? एक साल में एग्जाम निकालने वाले बच्चे होते, 6 महीने में और 8 महीने में एग्जाम निकाल देते हैं बच्चे, एकाग्र होकर। चलो मैं ये नहीं कर रहा हूं आपकी कमी के कारण होगा, हो सकता है समस्याएं या फिर बानक ऐसे बन रहे हो ना। सी भाई, 43 का सी कौन दे रहा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, 43 का सी। विजय, कोमल, लक्ष्मी, हॉल में घबराहट हो जाती है, हॉल में घबराहट हो जाती है, इन कारणों की विवेचना करो जल्दी से। और देखो, खम ठोंक ठेलता है जब नर, दिनकर जी की पंक्तियां हैं कि खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। फिर ये तो एग्जाम है, मनुष्य जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता, जोर लगाओ अच्छे से, घबराओ मत, अनअकैडमी ऐप पर जुड़ जाओ सारे बच्चे, ऊपर कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है अच्छे से गाइडेंस, यहाँ यूट्यूब पर उतना प्रॉपरली नहीं हो पाता जितना अनअकैडमी ऐप पर होता है, यहाँ भी मैं कोशिश पूरी करता हूँ, कोशिश हर जगह पूरी करता हूँ, वहां पर अन्य माध्यम है, रेज हैंड का माध्यम है, और जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो वहां पर पोल आता है, पोल पोल आता है, आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन सही है या आपका आंसर सही है या गलत, लीडर बोर्ड आता है, लीडर बोर्ड में आकलन हो जाता है कि आपकी स्थिति क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, BARCB 1201 भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ प्रणाली किस संस्थान में विकसित की गई थी? जल्दी बता। नालको, नालको भाई, नालको, पी खा, खा बी, पी नालको, नालको की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल चलो बी बी बी, प्रियंका ने इसका उत्तर सही दिया, वेरी गुड। हेलो जी अमित राज भाई, बहुत बड़ा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा देते हैं फिर क्लास को ऑफ करेंगे। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत में पहले शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव की मेजबानी की? जल्दी बता दो। 45 का क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, नई दिल्ली आंसर है 45 का। सर मैं रांची जिला से हूं, मेरा गांव आगरा है, तमाड़। अच्छा अच्छा, रांची से भाई, रांची, निधि सेन ने ए दिया, ए इज द राइट आंसर। विजय, प्रियंका, ओपी सर, अच्छा ऑसम, आते ही ओपी सर, ये जो ओपी वाली बीमारी चली है। अगलो, किस देश ने स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वाधीनताओं जातियों दिवस का आयोजन किया? बताओ जल्दी से भाई, 46 का उत्तर देंगे, 46 का बी बांग्लादेश। इस योजना की भाषा से ही आपको लग जाएगा। सी निधि सेन ने इसका, ओपी मतलब होता है ओवर पावर्ड, ये आज की जेंजी की जो है ना, नए नए बच्चे इंटरनेट वाले हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी है ओपी। मैंने भी सर्च किया था, वो फिर पता चला, मैं सोच रहा था कि इसका मतलब ओम प्रकाश होता है, ओम प्रकाश सर जी, लेकिन इसका मतलब निकला है बाद में
ओवर पावर, ओवर पावर ही होता है ना, ऑसम गैजेट। चलो 46 का बी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खबरों में देखे गए रुद्रांश बाला साहेब पाटिल किस खेल से जुड़े हैं? बाला साहेब पाटिल किस खेल से जुड़े हैं? जल्दी बता दो। 47 का सी, शूटिंग। शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ ले भैये, है ना, ये ओपी ओपी में कुछ नहीं रखा है। हल्खा जेत्सुन धम्पा रिम्पोचे किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बताओ। सी। चलो भाई, बौद्ध धर्म। दो प्रश्न और बचे, फिर थोड़ी सी 2 मिनट रुकना आप लोग, 2 मिनट बात करेंगे और फिर हम लोग क्लास ऑफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जरूरी पारिस्थितिक प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना लागू करता है? बताओ। 49 का, जितने बच्चे जुड़े हैं एक बार लाइक कर दो फटाफट, 4 मिनट की ये क्लास और बची है, जल्दी से लाइक कर दो सारे बच्चे। 48 का बी, वेरी गुड, 48 का बी है। 49 का क्या हो जाएगा? 49 का, 49th का ए हो जाएगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ए कौन दे रहा है? जल्दी से प्यारे बच्चे इसका उत्तर देंगे। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन। किस देश में P-270 मोस्किट मिसाइल का परीक्षण किया है? जल्दी बताओ। ए, वेरी गुड। अच्छा चलो, ये लास्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे प्यारे प्यारे बच्चे। इसकी भाषा से मोस्किट मिसाइल कहाँ होगी? रूस में होगी, रूस। ठीक है चलो, रूस इसका उत्तर हो गया। अब आपसे 2 मिनट बात करनी, बात ये करनी है, बात ये करनी है कि कैलेंडर आपका आ चुका है, कैलेंडर आपका, कैलेंडर आपका एसएससी का आ गया है। कब आया है? कल ही आया है, कल ही कैलेंडर आया है। ठीक, कल कैलेंडर आया है। जल्दी से अब अपनी तैयारी को कर दो सुचारू रूप से चालू। सुचारू रूप से कैसे चालू कर देंगे? अन एकेडमी फेस्टिव ऑफर के अंतर्गत 45% इतना आपको कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी इतना आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, अन एकेडमी ही दे सकता है आपको, है ना। अन एकेडमी 45% आपको मिल रहा है, 2 साल का ऑफर सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको जो 5625 रुपए का है वो सिर्फ 3359 रुपए का पड़ेगा, और ये 3000 का पड़ेगा। 360 रुपए एक्स्ट्रा डालकर आपको 24 महीने का, मतलब दुगना मिल रहा है सिर्फ 360 रुपए में। और ये 5600 रेट आपको वहां पर 5625 ही दिखेंगे। ये कम कैसे हो जाएंगे? ये कम ऐसे हो जाएंगे, आप वहां पर रेफरल कोड आपसे मांगेगा तो आपको AKA5 इसका इस्तेमाल करना है, AKA5 का इस्तेमाल करना है। ये जो 5625 होगा तुरंत 3359 हो जाएगा। अगर आप एक 12 महीने का ही लेना चाहते हैं जो कि 5000 का था, वो आपको 3000 यानी कि 2999 मिल जाएगा। और AKA कोड, इसी कोड का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। यस सर, बैच पर और भी अन्य CGL का बैच है, CHSL का बैच है, ठीक है, और अन्य बैच कोई भी कुछ भी परचेज करते हैं, AKA ये मेरा कोड है, उनको पता चल जाएगा कि आप अभिषेक सर के बच्चे हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, आप दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि सबसे ऊपर कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक एक लगा है पिन, उसको अभी क्लास ऑफ कर दूंगा मैं 1 सेकेंड के अंदर, दो मतलब 10-15 सेकेंड के अंदर, उस पर जाकर क्लिक कर लो और मेरी आईडी आ जाएगी, उसको फॉलो कर लो। आपको क्लास 3 बजे, दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की 3 बजे, 3 PM पर होगा मॉक टेस्ट, बेहतरीन, उसमें लीडर बोर्ड पोल सब कुछ होता है, कर लेंगे। कौन कौन करने जा रहा है फॉलो, जल्दी से बताओ, कौन कौन करने जा रहा है फॉलो? चलो, कौन कौन कर रहा है जल्दी से बताओ। चल भाई, और कर लिए, प्रियंका ने, जतिन ने, वेरी गुड, जल्दी से कर लो फॉलो। मिलते हैं हम लोग 3 बजे अन अकेडमी ऐप पर दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट के साथ, और वो दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट आपके बाकी सभी एग्जाम्स में भी काम में आएगा।